जरा उसको आप बताइए हुआ क्या था जब आप वहां पहुंची। सर मैं जब गई वहां बहुत क्राउड था, बॉयज का बहुत क्राउड था, वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बोले बुर्खा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside, फिर मैंने स्कूटी पार्क किया, फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे। सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे, और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना वो लेके ऐसे घुमा रहे थे और मुझे कुछ कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड चैंटिंग अल्लाह अकबर। अच्छा आप मुझे बताइए कि उस वक्त मेरे प्रिंसिपल, मेरे लेक्चर सबने आके अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, प्रोटेक्ट किया मुझे। इवन प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा हिजाब के बारे में, फिर भी प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उन लोग मुझे बोल रहे थे। अच्छा मुझे सबसे पहले बताइए, व्यूअर्स जो है ये समझना चाह रहे होंगे कि आप कौन से शहर की हैं, कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीकॉम कर रही हूँ सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में, यानी प्रॉपर कॉलेज में है आप? अच्छा तो ये बताइए कि ये आप कब से जो है आप सेकेंड ईयर में है, मतलब 2 साल से लगातार आप ऐसे ही बुर्का पहन के आती हैं कॉलेज में? हम बुर्का पहन के, बुर्का बाहर से कार के अंदर जाते हैं। तो आप मतलब बिल्डिंग में एंटर करने से पहले बुर्का उतार देती हैं? बिल्डिंग मतलब क्लास को एंटर, कैंपस में जो रहता है ना वो, तो कैंपस में बुर्का काट के हिजाब डाल के अंदर जाते हैं। बल्कि प्रिंसिपल को भी कुछ तकलीफ नहीं है, प्रिंसिपल ने भी हमें कुछ नहीं बोला। ये लोग खड़े के ऐसे तमाशा कर रहे थे उधर। बुर्खा जो उतारा मैंने तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां, मैं क्या पर्दा करूं। इंशाल्लाह कुरान की जो आयत इन्होंने पढ़ी है वो गलत कोड की है ना? आप सही बता दो, आप सही बता दो, मैं सही बता दो, सही मैं बता दो, अरे सुन तो लीजिए ना, बिलबिलाते क्यों, अरे बिलबिलाते क्यों, मौका दूंगा पहले उनको 20 सेकंड, बिलबिलाते क्यों, सुन लीजिए ना, तिल मिलाने की बात तो ये महिला के लिए मत बोलिए। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है, हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं, ये फर्क है। वाजिब और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है, तवाफ करते हुए सिर्फ तवाफ करते हुए जनता जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक बात बताएं, ये जो हिजाब है क्या ये मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई मैंडेटरी पहलू है? क्या हिजाब पहनने से ही वो मुस्लिम है या उसके मुस्लिम होने का सबूत हिजाब है, ऐसा कहीं लिखा गया है क्या? ये कहीं कुरान में लिखा हुआ है या कहीं हदीस में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आइडेंटिटी या मतलब कोई औरत यदि हिजाब पहनती है तो ही वो मुसलमान कहलाएगी, उसका हिजाब पहनना आवश्यक है, ये तो पहनना ही पहनना है। लोग मुकर्ररीन खवातीन के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं अपनी तकरीर में, अल्लाह सुभान व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन जब भी आप कोई खातून को देखेंगे, कोई औरत या लड़की को देखेंगे, अगर आपका दिमाग भटकता है फौरन अपनी नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान था, एक मुस्लिम लड़का जो लड़की को देख के बहुत देर तक घूर रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे, गलत है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है दूसरी हराम है, मैंने एक नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। उसका मतलब यह नहीं कि आप 10 मिनट बिना पलकाए झपकाए लड़की को देखो घूरो और कहो कि नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे? अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो दोबारा मत देखो ताकि आप उसकी जीनत को देख के ऐश करो। उसके बाद फौरन लिखा है कुरान मजीद ने सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया मोमिनात से, मोमिन औरतों से, आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढाको
और उस जीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पर दिखी जाती है, जो आप हिजाब को रिलैक्स कर सकते सिर्फ अपने शोहर के साथ, वालिद के साथ, बेटे के साथ, और एक लिस्ट है, बड़ी एक लिस्ट है जो करीब रिश्तेदार जिससे आप शादी नहीं कर सकते जो आपके महरम है, इनके अलावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए। आम तौर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। पहला उसूल एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए, आदमी के लिए नाफ से लेके घुटने तक कम अज कम, और औरत के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिगर नजर आ सके। तीसरी शर्त, कपड़े खफीफ पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू आप देख सके। चौथी, कपड़े इतने भड़केली नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। पांचवी शर्त, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत के नहीं पहनना चाहिए। और छठी शर्त, कपड़े दूसरे मजाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 शर्त है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, के रसूल कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए वो जिलबाब पहने ताकि लोग उसे पहचान सके और लोग उन्हें न छेड़े। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हिजाब फरमाया है ख़वातीन के लिए, जिलबाब, जिलबाब मतलब एक ओवरकोट, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें न छेड़े। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अगर दो बहनें, तो यक्सा है, ट्विन्स है, जुड़वा बहनें यक्सा दिखती है, दोनों खूबसूरत है, यक्सा खूबसूरत है, जुड़वा है, और दोनों अगर बंबई की सड़क पे चल रहे, मिसाल के तौर पे पेडर रोड के ऊपर, और एक बहन पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा शरीर ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, मिनीस, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट मिनी, और दोनों बहनें चल रहे पेडर रोड के ऊपर, और कोने पे एक लफंगा ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? वेस्टर्न क्लोथ, मगरबी लिबास। आसान सवाल, आसान जवाब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने कहा खवातीन से कि अपने आप को ढाको ताकि लोग पहचान सके और लोग आपको न छेड़े। उसके बाद इस्लामिक शरीयत में अगर कोई आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, इस्लाम में उसकी सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में इस्लाम एक जालिम मजहब है, बेदर्द मजहब है। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों से, और हजारों गैर मुसलमानों से पूछ चुका हूं, कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा के साथ बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, और अगर उस बलात्कार करने वाले आदमी को आपके सामने लिया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप उसे क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा हम उसे देंगे सजाए मौत। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो ये डोगले बना क्यों? आपके वालदा को कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, आप कहते सजाए मौत। दूसरे किसी वालदा का रेप होता है, बलात्कार होता है, आप कहते सजाए मौत, एकदम खतरनाक सजा है। क्यों डोगले बना क्यों? आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम समझते हैं कि यूएसए सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जानते हैं कि यूएसए में रेप बड़ी तादाद में होता है, अकॉर्डिंग टू एफबीआई स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990, एफबीआई स्टैटिस्टिक्स सन 1990 में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कि हर रोज 1756 रेप हो चुके हैं।
अगर 1996 की स्टैटिस्टिक के हिसाब से, नेचुरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो स्टैटिस्टिक कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए, 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मत बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910, सब रिपोर्ट नहीं होते, 1990 में रिपोर्टेड 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है, उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो है सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीन अल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते शनिचर में मैंने कहा था एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के